इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा, ये नगेंद्र पांडे भी आए हैं गाइज। सुपर चैट गाइज, खाने पीने का तो आप लोगों ने मुझे बिल्कुल ही पतला दुबला कर देना है जी। नगेंद्र पांडे जी, क्या दीपक पांडे भी नहीं दे रहे सुपर चैट, वो तो दे देते थे। अच्छा वैसे अच्छा एक चीज आपसे पहले पहले कोई स्टाइल का भी बड़े मतलब अजीब सा लग रहा है, मतलब कि 16 साल की कोई लड़की है। ओहो, हाँ बिल्कुल यंग लग रहे हैं। मैं तो 16 साल की ही हूँ। अच्छा मैं एक बता, बहुत सीरियस केस है इंडिया से। आप जानते जैसे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी है, वैसे इंडिया में इसी तरह से मिलता जुलता एक्ट है जिसका नाम है SC ST एक्ट। इसमें यह है कि अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति आप पे झूठा इंजाम भी लगाते ना कि आपने उसको कास्टिस्ट वर्ड व्हाटएवर रेसिस्ट वर्ड, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा 3-4 महीने के लिए। आपसे सवाल कुछ नहीं पूछा जाएगा, 3-4 महीने बाद आपकी सुनवाई की जाएगी और वो उस बंदे को 1 लाख मिलेंगे। और बाद में केस झूठा निकलता है ना, तो जिसने केस किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये केस है, तो ऐसे ही आज हुआ था ये कि वो राजस्थान में एक शर्मा नाम की डॉक्टर थी, मतलब लेडी डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो उसका क्या हुआ, वो जब कोई डिलीवरी के आया, कोई शेड्यूल कास्ट की थी, मतलब लोअर कास्ट की, तो हुआ क्या कि वो बचा नहीं पाई, तो उसमें प्रदर्शन हो गए उसपे। और ये बात हुई कि उसमें मर्डर का केस लग गया, जबकि केस लगना ही नहीं था वहां की सरकार ने, ताकि उनका वो कर सके, अपीजमेंट कर सके। प्रदर्शन होने लगे, मतलब प्रदर्शन तो आप प्रोटेस्ट, और वहां पे जो ये लोअर कास्ट के नेता, इन्होंने बोला कि इनको छोड़ना नहीं है, 60 लाख मुआवजा मांगना है। उस पर इतने केस किया कि उस लेडी डॉक्टर जो शर्मा थी उसने खुदकुशी कर ली। उस पर ये केस भी लगा ST ST एक्ट। ये कहाँ की बात है? ये राजस्थान की बात है, इंडिया में। और यहाँ पे इसी चीज के लिए प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहां के जो वो होम मिनिस्टर है, जो जिनके हाथ में पुलिस है, उन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि वहां की पुलिस वाले ने यह चीज कर दी कि डॉक्टर के ऊपर मर्डर के केस लग ही नहीं सकता बिना जांच के, क्योंकि हर कोई डॉक्टर भगवान नहीं होता, गॉड नहीं होता कि जान बता ले किसी की। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब लॉज बनते हैं माइनॉरिटीज को बचाने के लिए लॉज बनते हैं, राइट्स बनते हैं, तो उनको चीजों को लोग मिसयूज करते ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स की राइट्स की उसपे हुए, उसपे चंद लोग ऐसे हैं जो उसको मिसयूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर वेलफेयर मिलता है लोगों को। अब वेलफेयर उन लोगों के लिए है जो काम नहीं कर सकते हैं या जिनके पास जॉब नहीं हो रही हो मिल रही होती है, मगर हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो कैश पे जॉब कर रहे होते हैं और वेलफेयर भी खा रहे होते हैं। तो ऐसी सहूलतें गवर्नमेंट या चीजें हमारे लिए लेकर आती है, मगर फिर हम लोग हैं उसको, अवाम है जो उसका मिसयूज करती है, ठीक है ना। तो आई थिंक गवर्नमेंट को अब ज्यादा वो बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या हो रहा था कि फेक एक्सीडेंट्स कर रहे थे लोग और इंश्योरेंस पैसे खा रहे थे। तो अब क्या हुआ है कि अगर किसी का रियल एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, तो उसके ऊपर इतनी सख्तियां कर दी हैं कि वो बंदा जो लेजेंड भी होगा ना, उसको भी इतना नहीं मिलता है, क्योंकि फिर वो फिर सख्ती कर देते हैं ना, टाइट कर देते हैं वो इस तरीके से। सो आप जानते नहीं टू वॉच के क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देश की कि जो ST ST एक्ट है, इसमें 98% फेक केस होते हैं, 98% लगभग इसमें फेक केस होते हैं। और ये वैसे ही है जैसे कि वेस्ट में जाए तो ब्लैक के लिए वो किया जाता है कि ब्लैक को ये किया जाए, वो किया जाए, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं। जब ब्लैक जो वो प्रेसिडेंट भी बनता है, वो MP भी बनता है, वो फिल्म स्टार सब कुछ बनता है, लेकिन वहां पे फिर भी वो दिखाया जाता है ब्लैक लाइफ मैटर ये वो। वैसे इंडिया में वो पकड़ा जाता है जिसे कहते हैं दलितों के ऊपर अत्याचार, मतलब दलितों के ऊपर जुर्म हो रहा है, ये चीज क्या है। अच्छा, जबकि दलित आजकल प्लीज इसको पूछिए, खैर खरलान जी, दलित मैसकार में सुप्रीम कोर्ट ST एक्ट क्यों नहीं गया? खलीर जी, इससे पहले पूरी कहानी पूछे, इनसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने ST ST एक्ट में ये क्यों बोला कि 98% के केस फेक जाते हैं। दरअसल मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह ब्लैक के लिए ड्रामा किया जाता है ना, वैसे यहाँ पे दलितों के लिए किया जाता है। उनके लिए इनके लिए काम कुछ नहीं करते। आज भी दलित गरीब है, लेकिन उनके नाम पे जो पॉलिटिशियन खड़े होंगे
उनके नाम पे पैसा खाएंगे, उनके नाम पे संगठन बने और खुद बड़े बड़े हाउसेस में रहेंगे और वो गरीब मरेंगे और इन पे भड़काएंगे कि ये, और अपर कास्ट लोअर कास्ट वालों को लड़ाएंगे, जबकि आज हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो एक दलित है और जो हमारे देश का पीएम है वो एक शेड्यूल कास्ट से है, जबकि अगर हिस्ट्री में भी यही थी के बैठे हुए हैं, उन्होंने एक डिवीजन क्रिएट करके रखना है लोगों की। पॉलिटिशियंस का काम ही है डिवीजन क्रिएट करना। आपके वहां पर हो गया है कास्ट सिस्टम का, देयर वाज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। हिंदू मुसलमान के बीच में कब से लड़ाइयां ही झगड़े चल रहे हैं, तो उनको पता है कि वो है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनके पास रिलीजन की वो चीजें नहीं है, कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ब्लैक और व्हाइट का वो किस्सा लेके बैठ जाते हैं। ट्रांसजेंडर हो गए, उनमें जो है अब ट्रांस वुमेन और सिस वुमेन, उनके बीच में डिवीजन क्रिएट कर दिया है। जो गेज हैं, जो स्ट्रेट हैं, उनके बीच में इन लोगों ने डिविजन क्रिएट करके रखना है इनको, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लोग आपस में ही लड़ते रहें, ताकि ये लोग जो काम कर रहे हैं ना उस पर हमारा दिमाग ही ना जाए, ये लोग जो पैसे कमा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, उस पर हमारा दिमाग ही ना जाए। इनको आपस में ही लड़ाते रहो, आपस में ही लड़ाते रहो, और फिर आगे कहो कि नहीं हम आपकी मदद करेंगे, हमें वोट दीजिए, हम आपका सब कुछ सुधारेंगे। सो दिस इज ऑल पॉलिटिकल गेम। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। इनकी देखना चाहिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं कह रहा हूं जी, बस एक चीज कह के जा रहा हूं कि इनके जो वो है ना, असली में जो दलित है वो आज भी फुट पार्क पे, लेकिन जो इनके नेता है ना, 400-400 करोड़ के बंगले हैं, 400-400 करोड़ के बंगले। एक मैं एक एग्जांपल देता हूं, यूपी की एक्स सीएम मायावती, 400 करोड़ पे उसके पास बहुत बड़े बड़े बंगले, लेकिन कहते मैं दलित हूँ, मैं लोअर कास्ट से हूँ, कभी पता करना उसका। बस चले, ठीक है, थैंक यू एनपी, आपकी आवाज आ रही है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, सबसे पहले बात में आप बहुत क्यूट लग रही है आज। थैंक यू। मैं इस बारे में बात करूंगा कि अभी वो एनपी बोल के आए थे ना, जो लोअर कास्ट के एक्ट के खिलाफ बात कर रहे थे। तो मैम, 2009 में ना एक मैसेकर हुआ था दलित फैमिली का, खैरलांजी मैसेकर बोल के, आप गूगल कर सकती हैं इसको। तो उसमें एक औरत को, उसके बेटी को और दो बेटों को पूरे अपर कास्ट ने मिलके गांव के नंगा करके उनके प्राइवेट पार्ट में रॉड वगैरह डाल के इतने बुरी तरह से मारा था मैम उनको, और उनकी नंगी लाश है ऐसे फेंक दी थी खेत में, नाले में वगैरह। ये 2009 की केस है, और फिर भी इस केस में ये एट्रोसिटी एक्ट बोलते इसको, ये नहीं लगाया था मैम सरकार ने। और हाल ही में एक 2-3 साल पहले भी 3 बहुत मेजर केसेस हुए मैम। एक शेड्यूल्ड ट्राइब की डॉक्टर ने, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर मैम, शेड्यूल्ड ट्राइब की, उसने सुसाइड किया मुंबई के मेडिकल कॉलेज में मैम। उसके साथ कास्टिज्म हो रहा था, उसके 3 अपर कास्ट के सीनियर उसको कास्ट पे गाली देते थे, मैम तू हमारी बराबरी करेगी क्या, डॉक्टर बन रही है तो तू खुद हमारे जैसे, हमारी जात की बन गई क्या, ऐसे उसको टॉन्टिंग करते थे मैम। तो उसने हैंगिंग करके सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट भी लिखा था मैम उसने। तो वो केस भी सिर्फ एक साल ऐसे दिखाए कि उनको सजा हम देने वाले, ऐसा दिखाया सिर्फ मैम सरकार ने। अभी उनको छोड़ भी दिया और उनके, उन तीनों के पीजी कोर्सेस कंप्लीट भी हो गए मैम। ये है जस्टिस इनका, और इनको ये दलितों का एक्ट भी सहन नहीं होता मैम, खटकता है इनकी आँखों में। देखो, वही बात भी हो जाती है ना, जैसे वो औरतों के लिए आपने वो कर दिया है, अब औरतें भी उसका मिसयूज करती हैं, भारत औरत तो उसको ऐसे नहीं कर रही है ना। अच्छा, तो औरतें फेक रेप के केसेस भी डाल देती हैं, होता है, मगर उसकी वजह से ये तो नहीं हम लॉज ही बदल दें, लॉज तो रखने पड़ेंगे ना कि जिन पे एटलीस्ट हो रही है ये चीज। फिर वही मैं दोबारा से ये कहूंगी कि इसमें आपकी गवर्नमेंट और इन चीजों का वो है, और गवर्नमेंट नहीं जाती कि हम लोग आराम से बैठे, टू बी ऑनेस्ट वो नहीं जाते हैं कि ये लड़ाई झगड़े ना हो, वो जाते हैं कि लड़ाई झगड़े होते रहे, हम कास्ट पे बटे रहे, हम रिलीजन पे बटे रहे, हम हर चीजों पे बटे रहे, क्योंकि फिर उनको खेलने को मिलता है ना। वरना अगर सभी एक तरह के हो जाएंगे तो इन लोगों को कौन पूछेगा, सबका दिमाग खुल जाए, सब इंसानियत पे बात करें, तो ये हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन पॉलिटिशियंस की, एंड वी डोंट नीड दीस पॉलिटिशियंस, यू नो। सो इस वजह से मैं कह रही हूँ। अच्छा, कुछ और बोलना चाहेंगी? बस मैं, मेरे पास टाइम जरा कम है तो मुझे निकलना है। थैंक यू सो मच। बताऊंगा मैम, एक ही केस, एक हाथरस केस बोल के भी हुआ है,
उसमें एक दलित लड़की का, जुवेनाइल थी वो 10-12 साल के, उसका रेप करके खून किया था मैम। तो आप देखिए, पुलिस ने वो गुनहगार को बचाने के लिए उस लड़की की बॉडी खुद जला दी मैम, रात में, विदाउट कंसेंट, उसके क्लोज रिलेटिव्स का कंसेंट भी नहीं लिया, और खुद बॉडी जला दी मैम। तो आप सोचिए क्या हालत है, और ये लोग जलते हैं दलितों के एक्ट पर भी। बस चलें इतनी ठीक है, बात थैंक यू करनी है सो मैम, मच थैंक यू। क्यूरियोसिटी, थैंक यू फॉर कीपिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।